सो दोस्तों, अभी मैं चलाने वाला हूँ बजाज की पल्सर N250। नया ब्लूटूथ मीटर कंसोल, USD सस्पेंशन, नया ग्राफिक्स इसमें ऐड ऑन किए हैं। चलिए ज़्यादा कुछ बातें ना करते, इसको चलाते हैं। पहले कैसा ओवरऑल मुझे फील मिलता है, ब्रेकिंग पावर, मतलब एक्चुअली ब्रेकिंग कैसे काम करती है, ब्रेकिंग पावर एफिशिएंट है कि नहीं, इन्हीं सब चीज़ों के बारे में थोड़ा सा डिटेल में राइड करेंगे और आपको बताएंगे एक्चुअली में ट्रैक्शन कंट्रोल कैसे काम करती है। और USD सस्पेंशन आने के बाद राइड क्वालिटी में कुछ भी इफेक्ट आया कि नहीं। बट हाँ, मैं बार बार एक चीज़ पहले बोल दूँ दोस्तों, मैं ज़्यादा देर तक इसको नहीं चलाऊंगा, छोटा सा राइड होगा और इसी राइड में मैं आपको बता दूंगा एक्चुअली में नया अपडेट के साथ इसको चलाने में मज़ा और भी इन्हेंसमेंट हुआ कि नहीं। चलिए इसको चलाते हैं ज़्यादा कुछ बातें ना करते हुए। चलिए फास्ट गियर पे थोड़ा सा खींचते हैं इसको। ओ भाई, तूफान है भाई। भाई मेरे को तो लगता है मैं बजाज की गाड़ी कम कुछ सुपर बाइक चल रहा हूँ आज। काफ़ी ज़्यादा रिफाइंड है और इनिशियल परफॉर्मेंस, मतलब इनिशियल स्पीड एक्यूरेटली 0 to 60 भाई 4-5 सेकेंड पे चला गया। नेकेड स्ट्रीट फाइटर इसको बोल पाओगे। माइलेज ऑलमोस्ट पकड़ के चले 30 से 40, इससे ज़्यादा नहीं, मैं झूठ नहीं बोलूंगा दोस्तों। और इतना ज़्यादा रिफाइंड है, अगर इसको एक बार आपने चला लिया इसके साथ दोस्ती हो जाएगी आपकी। चलिए थोड़ा सा यू टर्न लेंगे, देखेंगे टर्निंग रेडियस, मतलब एक्चुअली गाड़ी घुमा के देखेंगे। हैंडलिंग पर्पस एक्चुअली आप कैसे इसको सिटी और भीड़ ट्रैफिक पे एडजस्ट करते हो। भाई टर्निंग रेडियस भी ठीक ठाक है इसका, अच्छे से घुमा लिया मैंने इसको। चलिए अब खींचेंगे इसको। वाह भाई वाह, ब्रेक अप्लाई किया और वहीं पे जाके गाड़ी रुक गया। भाई ब्रेक भी काफ़ी एफिशिएंट तरीके से काम करती है। একটু বাংলায় বলে দিই, নতুন আপডেট হয়েছে, এত কিছু ব্লুটুথ দিয়েছে, মিটার চেঞ্জ হয়েছে আর গাড়ি দারুণ ফিল, মানে আমার মনে হচ্ছে চালিয়ে আরও মনে হবে যেন গাড়িটা চালাই, একবার চালালে সত্যি বলছি আপনার কিনতে ইচ্ছা করবে। চলে আপ ঘুমা লেতে ছোটা সা রাইড থা ভাই ইসকা, ছোটা সা টেস্ট রাইড মানে কি আলো দোস্ত আপ সবকে লিয়ে। आज का रिव्यू बस इतना ही, बाकी इसके रिगार्डिंग बहुत सारा कुछ कंपैरिजन डिटेल रिव्यू भी होने वाला है दोस्तों। तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कीजिए ताकि हर एक नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। पल्सर N250 में कैसे मोबाइल आप कनेक्ट करोगे उसी चीज़ के बारे में आज हम बताएंगे आपको। बजाज राइड कनेक्ट, इसमें दो ऑप्शन है, एक साइन अप एक लॉग इन। आपको यहाँ पर हम लोग का ऑलरेडी ये गाड़ी आपका रजिस्टर किया हुआ है, तो इसीलिए साइन अप का ऑप्शन भी आपको दिखा रहे हैं। इसमें जाके एक तो आपका QR रहता है जिसमें हम लोग का चैसिस नंबर रहता है, उसमें क्लिक करने के बाद वो QR हम जब लेंगे तो उसमें ऑटोमेटिक आपका चैसिस नंबर यहाँ पर आ जाएगा। उसके बाद जिसके नाम पर रजिस्टर है उसका नाम फ़ोन नंबर दे के यहाँ पर एग्री करके साइन अप करना पड़ता है, पर ये जब रजिस्टर है इसीलिए हम लॉगिन करके दिखा रहे हैं आपको। नीचे है आपका लॉगिन ऑप्शन, यहाँ पर रजिस्टर नंबर देना पड़ेगा। मेरा जो ये गाड़ी के ऊपर जो रजिस्टर नंबर दिया हुआ है वो दिखा रहा है आपको। अभी हो चुका है लॉगिन। ओके, अभी ये लॉगिन हो रहा है। ओके, अब ये बाइक के लिए पूरा रेडी है। आपको यहाँ पर देखिए ब्लूटूथ का एक ऑप्शन है, इसको क्लिक करना पड़ेगा। স্ক্যান করলে जो आपका ब्लूटूथ ऑप्शन रहता है वो आ जाएगा 2547। ओके, यही है सेम, देखिए ये चैसिस का लास्ट डिजिट रहता है पल्सर 2547। ओके, तो इसमें आपको क्लिक करना पड़ेगा। अलाउ दिखा रहे पेयर, देखिए कनेक्ट हो गया, अभी ये पूरा रेडी है। यहाँ पर आपका
पूरा डिस्प्ले में आ जाएगा, आपको एक कॉल करके हम दिखा रहे हैं आगे। यहाँ पर देखिए यूआर एट, अब कहाँ पर है वो दिखा रहे हैं। अच्छा, अब कहाँ जाना है, एंटर योर डेस्टिनेशन, जैसे एयरपोर्ट डालो, मानिए आप एयरपोर्ट। ओके, हाँ नेताजी सुभाष, ओके ठीक है, आ गया। अच्छा, 7 मिनट दिखा रहा है यहाँ से, स्टार्ट कर देते हैं। ओके, अभी आप डिस्प्ले में देखिए यहाँ पर आ गया। हाँ अच्छा, इसी जगह पे दिख जाएगा एक्चुअली। ये रहा डिस्प्ले में, यहाँ पर एरो आ चुका है नेविगेशन का, इसी में से दिख रहा होगा। कितना मीटर के बाद आपको यू टर्न लेना पड़ेगा वो भी दिखा रहा है। ईटीए मतलब क्या है? ईटीए मतलब एस्टिमेटेड टाइम अराइवल, आप कितना आपको एक्चुअल टाइम जान पाओगे। यहाँ पर 32 किलोमीटर दिखा रहा है और यहाँ पर एरो भी दिखा रहा है, जीपीएस नेविगेशन का, मतलब डिस्टेंस आपको दिखा रहा है यहाँ पे 32 किलोमीटर। ये आप देख सकते हो, बैटरी वगैरह आप देख सकते हैं, फोन में कितनी परसेंट चार्ज है वो भी दिखाया, और ये कितना परसेंट बताइए आगे क्या होगा। बाकी आप जैसे जाएंगे उसी तरह आपका नेविगेशन यहाँ पर शो करना शुरू करेगा। अगर हम लॉक करके पॉकेट में रख देंगे तब भी यहाँ पे शो करेगा ना? शो करेगा। अच्छा, एक बार दीप भैया फोन को लॉक कीजिए, एक बार फोन को लॉक कीजिए, एक बार लॉक लॉक करने के बाद वो दिखाता है कि हाँ लॉक करने के बाद भी दिखाता है, जैसे वो फोन जैसे लॉक हो गया, डिस्प्ले इसकी लॉक हो चुकी है। हिमालयन में वो नहीं दिखाता था फोन, तो एक्चुअली अकाउंट এই ফোন থেকে কল করা হবে এই ফোনটায়। এখানে কিভাবে কলটা রিসিভ হবে দেখ सकते हैं, আর কাট করা হবে এটাই দেখবে, মানে দেখাবে না সেভ किया हुआ है, कैसे फोन कट करेंगे और सेभ किया हुआ है यहां रिसीव करेंगे। ये देखिए यहां पे शो कर रहा है, वही टेक्निक देख लो दोस्तों, ये आप देख पा रहे होंगे। ये देखिए आपके यहाँ पे शो कर रहा है कौन कॉल कर रहा है, उसका नाम जो है शो कर रहा है। अभी इसको रिसीव कैसे करना है? रिसीव हम लोग का एम बोल के एक ऑप्शन दिया हुआ है। अच्छा, देखिए जो कल कॉल कर रहा है उसका नाम भी दिखा रहा है इसके डिस्प्ले पे। देखिए ये अभी मिस कॉल हो गया। अच्छा, हम और एक बार अच्छा आपको ये देखिए हम फोन कर रहे हैं, कोई अगर कॉल करेगा वो कॉल कॉल कर सकते हैं ना। हाँ, एक बार पिक करिए, जैसे ही यहाँ पर बटन दबाते हैं एम वाली, देखिए रिसीव, देखिए कॉल रिसीव हो गया। ये सिंगल प्रेस से आपका रिसीव होता है, सिंगल प्रेस से रिसीव होता है ना, आप अगर डबल प्रेस करेंगे तो ये कट हो जाएगा। अच्छा, ये देखिए कॉल कितना लॉन्ग प्रेस करने से भी वो कट हो जाता है, लॉन्ग प्रेस से कट हो जाएगा। तो शॉर्टकट है बोले थे, सिंगल प्रेस से रिसीव होगा और लॉन्ग प्रेस से कॉलटा कट जाएगा। बस ए टू का फीचर्स से कॉल कट जाएगा। ओ मिस कॉल अलर्ट एंड बैटरी इंडिकेशन भी देख पाओ दोस्तों। और बस इतना ही आज, बस इतना ही, बाकी और एक दिन पूरा डिटेल रिव्यू के साथ पूरा चीजें मैं आपको दिखाऊं दोस्तों। और इस N250 के रिगार्डिंग कुछ भी क्वेश्चन अगर आपके दिल पे है आप भेजिए, कीजिए मेरे कमेंट सेक्शन पे, उसका रिप्लाई भी मैं दे दूंगा।